विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने व्यापम घोटाले में पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफे की मांग की है। साथ ही कहा है कि इस घोटाले की जांच अब सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एसआईटी गठित कर उससे कराई जाना चाहिए। कटारे ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि पूर्व मंत्री शर्मा की गिरफ्तारी के बाद साफ हो गया है कि इसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं, क्योंकि शर्मा ने ये स्वीकार किया है कि वे इस मामले में बहुत छोटी मछली हैं और इनमें कई बड़ी मछलियां भी हैं। अगर मेरे जेल जाने से वे बड़ी मछलियां बचती हैं तो मैं जेल जाने को तैयार हूं। कटारे ने कहा कि इसमें मुख्यमंत्री चौहान और आरएसएस के सुरेश सोनी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। व्यापम घोटाले के मुख्य सरगना, मुख्य किरदार जो इसे संरक्षण दाता है आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी, जिनकी देखरेख में यह पूरा घोटाला होता रहा, मैं आज उनसे मांग करता हूं कि उनके मंत्रिमंडल का एक साथी इस आरोप में जेल गया है और ये प्रमाणित हुआ है, सदन में भी प्रमाणित हुआ है, स्वयं मुख्यमंत्री ने ये माना है कि 1000 नोटियां व्यापम के माध्यम से फर्जी हुई। उनके ही शब्द हैं जो आपने देखे होंगे, 2007 से 2013 तक 1000 नोटियां व्यापम के माध्यम से फर्जी हुई। जो मुख्यमंत्री 1000 नोटियां फर्जी करवाता रहा उसे ज्ञात नहीं हो पाया, उसका मंत्री जो करवाता रहा उसको ज्ञात नहीं हो पाया, विधानसभा में प्रश्न लगते रहे और मुख्यमंत्री को जो विभाग के मुखिया होने के नाते उत्तर देते रहे और विधानसभा को गुमराह करते रहे, वो सदन में हम रख चुके हैं पिछली बार, आगे भी रखेंगे। ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, मैं उनके त्याग पत्र की मांग करता हूँ। ऐसा होना चाहिए। मुख्यमंत्री के पूर्व पीए प्रेम प्रसाद कहाँ हैं? उनकी भी तलाश कर मामले से उनके संबंध को लेकर भी पूछताछ होनी चाहिए। लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी एसटीएफ ने नहीं की, लक्ष्मीकांत शर्मा ने सरकार की योजना के अनुसार एसटीएफ के सामने नियोजित सरेंडर किया है। मुख्यमंत्री सचिवालय के बहुत सारे अधिकारियों की कॉल डिटेल मिली व्यापम के उन अधिकारियों से जो आज जेल में है, बंद है, उन अधिकारियों को एसटीएफ ने अभी तक क्यों नहीं बुलाया, क्यों पूछताछ नहीं कर रही? उन अधिकारियों को पूछताछ करना चाहिए एसटीएफ को, उनको गिरफ्तार भी करना चाहिए। मुख्यमंत्री के धुके किए प्रेम कुमार या प्रेम प्रसाद जो आरोपी हैं, फरार हैं, मुख्यमंत्री की जानकारी में है वो कहाँ है, मुख्यमंत्री के संपर्क में है वो कहाँ है, उसको एसटीएफ ने क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया? EMS TV के लिए कैमरा पर्सन शक्ति के साथ राम पवार की रिपोर्ट।